हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पल्लवी। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर एन एवरग्रीन डेलिकेसी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सो नाउ वील सी द इंग्रेडिएंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आधा किलो पालक है जिसे अच्छे से धुल के हमने साफ कर लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रेश मिल्क क्रीम ली है जिसे मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। इसके जगह आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 2 हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च है जिसको बीच से हम स्लाइस कर लेंगे। 1 अदरक का टुकड़ा है तकरीबन 1 इंच और कुछ लहसुन की कलियाँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। भगोने में मैंने 1 लीटर पानी लिया है जिसे गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम पालक को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। पालक को हमें मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि जो पालक का कलर होता है वो चेंज हो जाए। चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह डुबा दें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी। चीनी डालने का रीज़न ये है कि जो पालक का कलर है वो बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा रीज़न ये है कि जो पालक में थोड़ा बहुत भी कड़वापन होता है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। 2 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट में ये पालक हमारी बॉईल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पालक हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। पालक को हम एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि उसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए। स्ट्रेनर के नीचे आप एक बाउल लगा लें और इस तरह से इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। पालक को हमने निकाल लिया और ये देखिए बिल्कुल आधी हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं इस पर ठंडा पानी ताकि ये और ना बॉयल हो अपनी भाप से और इसका कलर बिल्कुल ना चेंज हो। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। पालक जब तक ठंडी हो रही है हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरा को हम चटकने देंगे। और ये देखिए जीरा हमारा लाल हो चुका है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने रफली चॉप किया था और इसको चलाते हुए हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भुनना है। ध्यान रहे प्याज को बहुत हाई फ्लेम पे ना भुने। उसके बाद जो हमने साबुत अदरक लहसुन और मिर्च लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको चलाते हुए हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे लो फ्लेम पर। प्याज जब कलर चेंज कर ले उसके बाद डालेंगे इसमें हम कटे हुए टमाटर और इसे भी लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तो इसे चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज टमाटर को हमें इतना भुनना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पालक को हमने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए पालक का एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। अब जो प्याज टमाटर का मिक्सर हमने तैयार किया था उसका भी हमें पेस्ट बनाना है। अब हम सेम कढ़ाई में तेल डाल के इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 तेज़पत्ता
उसके बाद एक टुकड़ा दालचीनी का और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे। यहाँ पर जो तेल है उसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रहे आप जो ये पेस्ट बनाएंगे उसे आप एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएं, इसमें कोई भी टुकड़े ना रह जाएं, क्योंकि ग्रेवी में जब अदरक या लहसुन के टुकड़े मुंह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसका जितना बारीक पेस्ट बनाएंगे ये ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी से तेल अलग होने लगा है। जार में जो थोड़ा बहुत पेस्ट लगा हुआ था उसमें हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यू हैव टू सॉटे ऑन अ मीडियम फ्लेम। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर मैं एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी, उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी पीसी थी तो इसलिए यहाँ पर लाल मिर्च आप बहुत ध्यान से डालें। और इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। पालक पनीर में बहुत ज़्यादा ड्राई मसाले नहीं पड़ते हैं तो इसमें बहुत लिमिटेड मसाले हम डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आए। उसके बाद जो हमने पालक का एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। पालक का ग्रीन कलर देखिए बिल्कुल वैसा ही है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। रीज़न ये है जो हमने चीनी डाली थी उसकी वजह से। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला दें और ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया लग रहा है। स्पिनच इज लोडेड विद आयरन एंड फाइबर व्हाइल पनीर इज रिच इन प्रोटीन। दिस मेक्स इट अ नाइस रेसिपी टू इंक्लूड इन योर एवरीडे कुक बुक। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी रेसिपी। While पालक पनीर is perhaps one of the most interesting ways to include spinach in your daily meal. So give it a try and tell us in the comment section. इसके बाद इसमें हम डालेंगे fresh cream. Fresh cream डालने से जो इसका rich flavor होता है वो बहुत ही ज़्यादा enhance हो जाता है और इसका texture बहुत बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। क्यों दोस्तों, लग रही है ना एकदम मज़ेदार gravy? अब क्रीम को हम ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और ये देखिए क्रीम डालने से कलर कितना अच्छा आया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, वैसे मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि पनीर आप कच्चा ही डालें। पनीर के जो पीसेज हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्यूब साइज़ में इसे कट किया है। पनीर को हम डालते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। पनीर को अच्छी तरह से ग्रेवी में हम मिला देंगे। जो पालक थी वो भी ऑलरेडी पकी हुई थी और जो प्याज टमाटर हैं वो ऑलरेडी हमने भून के डाले थे, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के अच्छी तरह से एक भाप में पकने देंगे। उसके बाद हमारी पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए हमारी पालक पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। इसे आप रोटी, राइस, पराठे किसी के साथ भी सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे अपनी गलतियों का भी पता चले। टिल देन गुड बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।